हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक साइंस पर। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाया, जो वीयू मीटर का प्रोजेक्ट है हमारा, पहले भी एक अपलोड किया था, वही प्रोजेक्ट है, सिमिलर प्रोजेक्ट है। सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस और इसमें आरजीबी इफेक्ट मिलेगा आपको, बहुत ही लो कॉस्ट में ऐसा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है म्यूजिक सिस्टम के लिए, क्योंकि म्यूजिक मुझे बहुत ही पसंद है। तो रूम भी शिफ्ट कर लिया हूँ, नया रूम है मेरा, छोटा मोटा सेटअप इधर ही बना लिया हूँ यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप नया हो तो। क्या बोल रहा था मैं, ऐसे होता है जब कैमरे के सामने आता हूँ, इसलिए कभी कभी आता, मगर कभी नहीं है, पहला बार है। तो क्या बोल रहा था, तो इसमें जो एलईडी है यूज़ किया हूँ, आरजीबी जो एलईडी होता है उसका 4 टर्मिनल होता है, एक कॉमन और दूसरा और तीसरा आर जी और वी के लिए। तो इसमें मतलब आर और जी है, बी नहीं है, मतलब रेड और ग्रीन है। तो ग्रीन प्रॉपर ग्रीन नहीं है, जैसे डीप ग्रीन होता है, डीप ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा फेड टाइप का, मतलब येलो का टाइप का होता है, वो वाला ग्रीन है। इसीलिए प्रोजेक्ट का मतलब लाइट उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट अच्छा ही है। जब आप बनाएंगे, आपको अगर ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन मिले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो वाला एलईडी को यूज़ करें। और आईसी जो यूज़ किया हूँ, इसमें जो आईसी इस्तेमाल किया गया है, KA2284 वही आईसी है। इसमें 5 एलईडी आप इन कनेक्ट कर सकते हो। तो और यही मतलब यही फंडा आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप जितना भी एलईडी इंस्टॉल कर पाएंगे, मतलब करना चाहते हैं तब कर सकते हो। तो और प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सर्किट आपको दिखा दूँगा। ठीक है, इस बार ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हर वीडियो 20 मिनट्स के ऊपर होता है, मतलब व्यूअर भी बोरिंग हो जाता है उसमें, तो क्या करूँ, मतलब मेरा ज़िंदगी स्लोली स्लोली हो गया है, तो मेरा कंटेंट भी ऐसे स्लोली स्लोली चलता है, इसलिए लॉन्ग हो जाता है वीडियो, बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल के एक बार देख लेते हैं।
हेलो एवरीवन, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, देखिए अभी सब के सब इसको छोड़ के देखिए सब के सब ग्रीन है। ठीक है, जैसे जैसे मैं डाउन की तरफ जाऊंगा एक एक रेड नीचे शिफ्ट होता जाएगा। जल्दी हो गया, देखिए पहले स्टार्टिंग में ग्रीन हुआ, फिर रेड हो गया, फिर दूसरा रेड हुआ, नीचे वाला ग्रीन हो गया, फिर ऊपर रेड शिफ्ट करेगा करेगा नीचे ग्रीन हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं। फिर ऊपर रेड चला जाएगा, नीचे वाला ग्रीन में हो गया। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला रेड है, ऐसा नहीं है, इस लाइट की रिफ्लेक्ट के वजह से देखिए सब के सब ग्रीन है। ओके, तो ऐसा येलो टाइप इसीलिए लग रहा है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट के कारण लग रहा है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको ऊपर एक पेपर दे दूंगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आज का हमारा यही प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर बार ही कहता हूँ कि लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी बताइए, प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज का प्रोजेक्ट यही है, तो देख लेते हैं थोड़ा सर्किट को। चलिए, देखिए कुछ समझ लीजिए 2 मिनट का। ठीक है, जितना भी जैसा भी जिस मतलब जिस तरह से कनेक्शन है वैसे ही करिएगा। ठीक है, सिर्फ 3 ट्रांजिस्टर को लगाइए, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है हम देख पा रहे हैं 3 ट्रांजिस्टर का प्रोजेक्ट है, 1, 2, 3, और वो जो हमारा आईसी है 3 ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, तो मैंने इधर 4 लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब नीचे मतलब डाउन लेवल जब ग्लो करेगा तो उस टाइम ग्रीन होगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, उसके बाद से रेड को कनेक्ट करें। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे को रेड छोड़ देना है और ऊपर का ग्रीन छोड़ देना है, इसलिए ऊपर का जो ग्रीन LED है उसे हमने कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि टॉप में जो रहेगा वो तो रेड ही होगा। ठीक है, डाउन का जो होगा मतलब डाउन लेवल में वो ग्रीन ही होगा लोअर लेवल में, इसीलिए नीचे को रोड नीचे का जो रेड LED है इसको ब्लॉक कर दीजिए, मतलब ये ट्रांजिस्टर को उठा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन पॉइंट, इधर से ट्रांजिस्टर हटा लीजिए, इधर से जो जितना भी कनेक्शन है मतलब इस LED को देने के लिए उस पूरा कनेक्शन खोल दीजिए आप। ठीक है, बाकी 3 ट्रांजिस्टर यूज़ करें और इधर ग्रीन LED यूज़ करें, जैसा कनेक्शन है वैसे ही। सिर्फ ए वाला जो फ्रोसन है, आपको मैं दाग दे के दिखा रहा हूँ, ए वाला जो फ्रोसन है ए वाला, इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। आपको आपको अगर आपको अच्छा लगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब मेरा जो मतलब मुझे जो अच्छा लगा मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपका मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप लगाएगा, नहीं तो आपका उस अगर इसको नहीं लगाएंगे तो आपको देखिए 3 ट्रांजिस्टर से ही काम चला जाएगा, और नीचे का अगर लगा के रखेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये हमारा सर्किट। सर्किट में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नया हो तो, और लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों को, क्योंकि देखिए चैनल मेरा तो नहीं है, सिर्फ मेरा चैनल है, मैं एक मतलब चैनल का ओनर मैं हो सकता हूँ, लेकिन आपके बिना मतलब आप सबके बिना ये चैनल नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे तभी ना हमारा चैनल चलेगा, तो इसीलिए
ये चैनल को, छोटा सा चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहे, इसी तरह प्यार करते रहे। मेरे प्यारे सब सब्सक्राइबर को मेरे तरह से, मतलब जितना भी प्रैक्टिकल, मतलब मुझे जितना भी पता है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सब आपको बताना चाहता हूँ एक एक करके। अगर इस सर्किट किस तरह से काम कर रहा है इसको समझना है, तो किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है, मतलब ये जो ट्रांजिस्टर और रजिस्टर का जो नेटवर्क है किसी तरह से किस तरह से वर्क कर रहा है, अगर समझना है तो कमेंट कर सकते हो। मैं इसके लिए अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए चलते हैं दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।